नमस्कार दोस्तों, मैं अजय यादव आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में, जहां हम आज बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कलर कोडेड डस्टर्स, चाहे वो होटल्स में, हॉस्पिटल्स में, या फिर सिनेमा हॉल्स में, या फिर किसी कमर्शियल बिल्डिंग्स में यूज़ हो रहे हों। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हाउसकीपिंग साफ़ सफाई करता है तो वो डिफरेंट कलर के डस्टर्स यूज़ करता है, तो उनका क्या मतलब होता है। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं कि वो डस्टर्स क्यों यूज़ किए जाते हैं, किन किन टाइप के वो डस्टर्स होते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही एक डिटेल में होने वाला है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि कलर कोडेड डस्टर की ज़रूरत ही क्यों होती है, क्यों हम किसी भी कोई नॉर्मल कपड़े से हर जगह ही साफ़ सफाई क्यों नहीं कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप कभी होटल में जाते हैं या हॉस्पिटल में जाते हैं या फिर सिनेमा हॉल्स में भी जाते हैं, वहाँ पर लोग अलग अलग कलर के कपड़े पहनते हैं। जो वहाँ का स्टाफ होता है वो डिफरेंट यूनिफॉर्म पहनता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, ताकि गेस्ट भी और जो स्टाफ मेंबर वहाँ पे काम कर रहा है वो भी इजीली आइडेंटिफाई कर सके कलर कोडिंग के मदद से कि ये डिपार्टमेंट तो चलो किचन का होगा, ये हाउसकीपिंग का डिपार्टमेंट होगा, ये F&B सर्विस का डिपार्टमेंट होगा। तो आइडेंटिफिकेशन बहुत ही आसान हो जाता है अगर हम कलर कोडिंग के बेस पर करें। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हाउसकीपिंग में भी कलर कोडेड डस्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। अब हम देख लेते हैं कि एडवांटेजेस या फिर फ़ायदे क्या होते हैं कलर कोडेड डस्टर्स यूज़ करने के। देखिए, जो कलर कोडेड डस्टर्स होता है वो प्रिवेंट करता है क्रॉस कंटामिनेशन, मतलब जो डस्टर हम वॉशरूम में यूज़ कर रहे हैं वही डस्टर हम बेडरूम में या फिर पब्लिक एरिया के कॉरिडोर्स में नहीं यूज़ करते हैं, जो क्रॉस कंटामिनेशन को प्रिवेंट करता है। दूसरा है हमारा इम्प्रूव ट्रेनिंग। देखिए, किसी भी स्टाफ को गाइड करने में या उसको सिखाने में कि कौन सा सरफेस के लिए कौन सा डस्टर यूज़ करना है बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि कलर कोडिंग डस्टर में हम विजुअली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रेड कलर का डस्टर WC क्लीन करने के लिए या फिर वॉशरूम क्लीन करने के लिए होगा, ग्रीन कलर का डस्टर है वो नॉर्मल डस्टिंग के लिए होगा। तो हमारा विजुअल आइडेंटिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है और ये लैंग्वेज बैरियर्स को भी रिमूव करता है। जो थर्ड रीज़न है हमारा वो है बेटर सैनिटाइजेशन एंड क्लीनिंग फैसिलिटीज़। तो ये तीन रीज़न थे जिसकी वजह से कलर कोडेड डस्टर का इस्तेमाल किया जाता है। पहला था प्रिवेंट क्रॉस कंटामिनेशन, सेकंड है हमारा इम्प्रूव ट्रेनिंग, और थर्ड है हमारा बेटर सैनिटाइजेशन एंड क्लीनिंग फैसिलिटी। देखिए, ये जो कलर कोडेड डस्टर होते हैं इन्हें हम माइक्रोफाइबर डस्टर बोलते हैं, जो कि क्लस्टर ऑफ स्मॉल यार्न होता है, और ये जो डस्टर होते हैं वो सिंथेटिक यार्न के बने होते हैं, और इन डस्टर की एक क्वालिटी होती है कि ये स्क्रैच फ्री होते हैं, मतलब अगर आप इनको किसी भी सरफेस पे यूज़ करें तो सरफेस पे स्क्रैच नहीं आएगा। एक माइक्रोफाइबर 100 डायमीटर ऑफ ह्यूमन हेयर जितना फाइन होता है, जो इसकी बेस्ट क्वालिटी है। और ये जो डस्टर्स होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, मतलब माइक्रोफाइबर डस्टर्स जो हमारे आते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, जो नेगेटिव चार्ज्ड डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट करते हैं और बेस्ट पॉसिबल क्लीनिंग देते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कलर कोडेड डस्टर्स के बारे में। उससे पहले ये हमारा जानना बहुत ही ज़रूरी है कि ये होटल टू होटल या किसी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन डिफर कर सकता है कि वो कौन से कलर का डस्टर किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है। तो चलिए आइए देखते हैं कि हमारे पास कितने टाइप से कलर कोडेड माइक्रोफाइबर डस्टर्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा रेड माइक्रोफाइबर डस्टर। ये जो डस्टर होता है इसको हम WC कवर, WC सीट, WC लिड, यूरिनल्स ऐसी जगहों पर यूज़ करते हैं जो हाई रिस्क एरिया होता है। नेक्स्ट है हमारा ब्लू डस्टर। ये जो ब्लू कलर के माइक्रोफाइबर डस्टर होते हैं ये विंडोज़ क्लीनिंग के लिए या फिर मिरर क्लीनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। थर्ड टाइप ऑफ डस्टर है हमारा येलो माइक्रोफाइबर डस्टर। देखिए, ये जो डस्टर होता है ये वॉशरूम में सिंक, बाथटब ऐसी जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कई होटल में इसको फर्नीचर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, फर्नीचर की क्लीनिंग के लिए या डस्टिंग के लिए। तो ये डिपेंड करता है होटल टू होटल। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन माइक्रोफाइबर डस्टर। ये जो डस्टर होता है इसको जनरल पर्पस ऑफ डस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है, चाहे वो बेडरूम हो, कॉरिडोर्स हो या फिर पब्लिक एरिया हो। नेक्स्ट है हमारा वाइट क्लॉथ। देखिए, ये कोई माइक्रोफाइबर डस्टर तो नहीं होता है, बट ये रहना बहुत ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ये इस्तेमाल किया जाता है वाइपिंग के लिए, चाहे वो हमारी कोई कटलरी हो, कप्स, प्लेट, सॉसर या फिर ग्लासेस हो, जो ड्रिंकिंग ग्लासेस होते हैं, तो उसके लिए वाइट क्लॉथ ये कपड़ा इस्तेमाल किया जाता है। ये मोस्टली कॉटन का होता है। तो दोस्तों, ये थी एक शॉर्ट वीडियो टाइप्स ऑफ माइक्रोफाइबर डस्टर्स के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे लिंक्डइन पर भी पूछ सकते हैं। मैंने अपने लिंक्डइन आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।